रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में स्पॉन्सर्ड बाय वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट शुरू हो गया है स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला की कर रहे हैं खोज तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अपनी तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में सपनों का घर डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांजल वासियों की पसंदीदा स्टोर तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर पायल मल्टी प्लाजा की जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। नर्सिंग के जरूरत को समझते हुए HLG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैराडेमिक्स की ओर से सफलता का उद्घाटन समारोह कल किया गया। HLG के चेयरमैन सुनील गुप्ता ने कहा कि WHO के अनुसार हर 1000 मरीजों के पीछे 3 नर्सेस की जरूरत होती है लेकिन हमारे यहाँ 3 के जगह पर 1.75 की स्टैटिस्टिक्स है। उन्होंने कहा कि सफलता का उद्घाटन कर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो भी नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यह एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। 10th पास स्टूडेंट्स डिप्लोमा एवं 12th पास स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Next, I like to welcome our senior teachers for this wonderful gathering. So now I am unveiling the theme of this today's gathering. Safalta, you know the meaning of Safalta, I think it is an achievement. So what is this achievement and who is going to achieve and through which that is the process will be. Next slide. So here I want to highlight the value of teachers in student life and their development. So two teachers always, so now we have been grown up with too many multi-speciality areas. So we have a wonderful team of doctors to provide their wonderful care at all the specialties. And recently we have been received an award by given by ETA. So it is a proud moment for us. So this, we are not only providing the BSc Operation Care Technology, BSc Critical Care Technology, BMLT, and Diploma courses, Medical Laboratory Technology. So these are the courses we are offering as a paramedical. And about HLG Institute of Nursing, so share, I want to explore more about this because I am the principal at HLG. For the general nursing, I am invited three years course. You all might be aware of nursing courses. It is, there is no end for it. It can be like we all know how engineering has brought down. So like that. मालूम नहीं है हमारे लिए ठीक है हम बाद में बात करेंगे प्रोग्राम में। अच्छा हमारे इतने तो बुझते बच्चे हैं यहाँ अनेक मेडिकल नतून मेडिकल कॉलेज होच्छे गवर्नमेंट सेट आपे प्रचुर मेडिकल कलेज आगे हमारा 5 मेडिकल कलेज पे 2000 आगे पर्त 2010 पर्त जी देखें 5 मेडिकल कलेज 6 मेडिकल कलेज छो ए गवर्नमेंट ही 19 बोध तर बेसि मैंने कतगुलो हमें सठीक एन गुण देखते हैं कि तरह संगे प्राइवेट मेडिकल कलेज हे एत हासपाल हे नार्सिंग तो जरूर दरकार आई अवश्य तो ये वनारा करते अवश्य साधुवाद जाए अनेक रकम मेडिकल कोर्स पैरा मेडिकल कोर्स नहीं आसान সেই জন্যই আজকে এই লঞ্চিং প্রোগ্রামটা ছিল। বলছি পশ্চিম বর্ধমানের নার্সিং এর কি অবস্থা রয়েছে মানে কতটা খামতি রয়েছে এখন? আমাদের গভর্নমেন্ট সেটআপে এখন সেরকম ঘাটতি নেই। গভর্নমেন্ট সেটআপে আমাদের যেরকম যতগুলো হাসপাতাল আছে মোটামুটি নার্সিং স্টাফ আছে আমাদের প্রাইভেট হাসপাতাল। তবে বেড বাড়ছে যেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট হাসপাতালে বেড বাড়ছে সেখানে নার্সিং এর আরও দরকার হবে। আর প্রাইভেটের ক্ষেত্রে যেটা বলছেন প্রাইভেট ক্ষেত্রে সব জায়গায় নার্সিং স্টাফ সাফিসিয়েন্ট নেই। नमस्कार, आज हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम के लिए आप लोग सब लोग आए हैं और सबसे पहले धन्यवाद दूँ आप लोगों को। इनका नाम हम लोगों ने रखा है सफलता। सफलता का मूल उद्देश्य है
कि देखिए एडुकेशन तो बहुत सारी सेगमेंट में होती है, बट ये जो एडुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं ये नर्सिंग एडुकेशन है। नर्सिंग एक नॉबल प्रोफेशन है, केयरिंग प्रोफेशन है। इसमें जो ट्रेनिंग होता है वो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों सेगमेंट को प्रॉपरली नहीं करने से एक एडुकेशन इनकम्प्लीट रहती है। सफलता शब्द का अर्थ है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, आज होल कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है नर्सिंग का वो बहुत ह्यूज है। अभी मैंने आपको शेयर किया था कि एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर 1000 पेशेंट के पीछे या पॉपुलेशन के पीछे 3 नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है। अभी हमारे जो सिस्टम है उसमें 1.7 नर्सेस की स्टैटिस्टिक्स है। तो आप समझ के देखिए कि ऑलमोस्ट 100% की गैप है। तो हम लोग ये अवेयरनेस करना चाह रहे हैं स्पेशली टू द स्टूडेंट्स एंड जो लोग भी एसोसिएटेड होना चाहते हैं नर्सिंग प्रोफेशन से, कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें आपको ऑल ओवर दी इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, पूरी वर्ल्ड में आप इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। आप 1000 पेशेंट के अंतराल में 3 नर्सेस की जरूरत हो रही है। फिलहाल अभी कितने नर्स? 1.7 है। इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? इसके देखिए 2 सेगमेंट है, एक डिप्लोमा है, एक ग्रेजुएशन है। डिप्लोमा में अगर आप क्लास 10 पास करते हैं आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से आप क्लास 12 में आ सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाले लोग ग्रेजुएशन भी कर ही सकते हैं। बीएससी में 2 क्लास है, तो जीएनएम जिसको हम लोग डिप्लोमा बोलते हैं, बीएससी जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं। स्माइली फाउंडेशन ने बच्चों के जीवन को बेहतर करने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए 30 जरूरतमंद बच्चों को पुराना हाट प्राथमिक विद्यालय में आज भर्ती कराया गया। संगठन के अभय मुखर्जी ने बताया कि सोमनाथ सर के सहयोग से बच्चों की भर्ती मुमकिन हो पाई है। मौके पे बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी, पार्षद सोना गुप्ता, पार्षद सीमा मंडल, डॉक्टर बीरू रजक एवं स्माइली फाउंडेशन के अन्य सदस्य खास तौर से उपस्थित थे। सभी को नमस्कार। आज हमारा स्माइली फाउंडेशन की तरफ से किसी गरीब बच्चों को हमारे निकटवर्ती स्कूल पूर्णा प्राथमिक विद्यालय भर्ती कर लो। बच्चा के आज हमने भर्ती कर আমাদের স্যার সোমনাথ স্যার উনি আমাকে এই সাপোর্ট করে এখন ভর্তি করার সুযোগটা করে দিলেন এবং আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার এই উদ্যোগে সবাই আমার পাশে আসুন আর এই কাজটাকে আমরা আরও এগিয়ে নিতে চাই। আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি আজ আজ সবাইকে ভালো মতন সুস্থ থাকুন। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस दिन का देशवासी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसे लेकर पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायिका अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में मोशिला के घर घर जाकर आमंत्रण पत्र, अयोध्या से आए प्रसाद एवं 5 दिए सभी को दिए गए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये दिए 22 जनवरी को शाम में जलाया जाएगा, उस दिन होगी असली दिवाली। মাকে তো ফোন করা যায় না, যদি না যায় ফোন করা যায় সামনে আসতে। অযোধ্যার মন্দিরে আমন্ত্রণ প্রসাদ ঠাকুর ঘরে এটা রাখবেন। 22 তারিখে সকাল 11টার সময় 3 শঙ্খ ধ্বনি দেবেন, ঠিক আছে? সন্ধ্যাবেলা তো পাঁচটা প্রদীপ জ্বালবেন। দক্ষিণ বিধানসভায় মহিশিলার অন্তর্গত ওয়ার্ড নম্বর 86 সংহতি নগরে আপনি জানেন যে 22 জানুয়ারি
ভগবান পুরুষোত্তম রামের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। 500 বছর কেউ ভাবেনি, লাস্ট 75 বছর কোনো সরকার ভাবেনি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে আজকে ভগবান পুরুষোত্তম রাম, আমাদের রামলালার প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে 22 জানুয়ারি অযোধ্যার মন্দিরে। সেই জন্য আজকে প্রতি বাড়িতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই আমন্ত্রণপত্র, আজকে যে প্রসাদ এসেছে অযোধ্যা থেকে, সেই প্রসাদ এবং 5টি করে প্রদীপ সেদিন সন্ধেবেলায়, 22 তারিখ সন্ধেবেলায় সবাই দুয়ারে জ্বালাবে এবং সেদিন হবে আসল দীপাবলি। তাই জন্য আজকে আমরা প্রতি বাড়ি বাড়িতে, সনাতনী হিন্দুদের বাড়িতে আমরা গিয়ে সেই আমন্ত্রণপত্র দান করছি। ভক্ত চলা হ্যাঁ এক ছোট সে ব্রেক কা। अगर आप स्टॉक मार्केट में रखते हैं दिलचस्पी और चाहते हैं मुनाफा कमाना, तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आया है 10 दिनों का ट्रेडिंग कोर्स। एडमिशन गोइंग ऑन, तो आज ही संपर्क करें गोदली रोड आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9631911369 पर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीडी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिर्फांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ ₹11,000 स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंह बाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है सिल्पांजल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, जीरो डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर।
मेंस वियर की एक्सक्लूसिव स्वरूप सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम लोग इसके पूर्व भी सालडांगा में वस्त्र वितरण और ज्वेलरी वितरण हम लोगों ने 4-5 दिन पहले किया था। आज सूरजू नगर में आया है हम लोगों ने, और वस्त्र वितरण, कपड़ा वितरण, बच्चों का वस्त्र वितरण सब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है जब नीडी पर्सन आगे जब कपड़ा लेती है लेता है, इतना उत्साह लगता है, इतना मन खुश हो जाता है ना कि मन तृप्त हो जाती है। इस पुण्य कार्य में हम लोगों को नीलम डेसेज ने नए नए वस्त्र बच्चों के लिए दिया है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जितने भी मेंबर हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों की इच्छा होती है कि हर एक 2-3 महीने में इस तरह का वस्त्र वितरण और समाज के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि हम लोगों को भी समाज में तो बिजनेस हम लोगों को करने का, हम लोगों का व्यवसाय तो बंसाधि अधिकार है, बट ये समाज में सेवा जो कर करके हम लोगों को आनंद मिलती है ना, वो वर्णन करने लायक नहीं है। इसलिए मैं हम लोग तहे दिल से बोलेंगे कि जो कपड़ा ले रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद है, क्योंकि जो लेने वाला क्रेता है ना उसको भी बहुत अच्छा लगती है, क्योंकि उन लोगों का भी जमीर जो है ना कभी कभी गवाह नहीं देती है कपड़ा लेने का या कोई सामान लेने का। वो लोग खुले मन से ले रहे हैं, देखिए किस तरह का भीड़ है, हम लोगों को आनंद आ रहे हैं। यह है कि जो स्थानीय लोग हैं मनोज जी, वो हम लोगों को काफ़ी हेल्प किए। इसके पहले हम लोगों ने 97 का जो अनूप मांझी थे काउंसलर, उनके द्वारा माध्यम से वहाँ कपड़ा वितरण किए। हम लोग की इच्छा है कि हर एक 2-3 महीने में इस तरह का हम लोग कुछ ना कुछ समाज मूलक कुछ काम करें, जैसे हम लोगों का समाज जरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी नाम हो और हम लोगों को भी आनंद आए, यही मैं कहूँगा। और मैं सभी चैम्बर के मेंबर जो हैं हमारे, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे चैम्बर के अध्यक्ष महोदय हैं गौरीशंकर अग्रवाल जी, ट्रेजरर हैं गौरी उज्ज्वल राय, और मनोज चौधरी जी हैं, सरवन अग्रवाल हैं, और भी विभिन्न लोग हैं। मैं सचिव हूँ आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। आज ईस्टर्न एलिमेंट्स यूनियन का जो हंगर फास्टिंग हो रहा है आज से शुरू है, आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कल आप लोग से भी निवेदन कर रहे हैं, कल आप लोग आइए DRM गेट में, हमारा धरना वहाँ 10 बजे से शुरू होगा। बहुत विशाल धरना होगा जिसमें 500 से ऊपर रेल कर्मचारी उपस्थित होंगे, और ये धरना केवल रेल कर्मचारी के डिमांड के लिए नहीं है, एक्चुअल डिमांड हमारा है न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करना होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना होगा। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इस स्कीम को लाया, नया पेंशन स्कीम को। अगर नया पेंशन स्कीम इतना ही बढ़िया है तो MP MLA लोग क्यों नहीं ले रहे हैं उसको? MP MLA एक दिन अगर रहेंगे तो वह अपना उसका पेंशन बरकरार रहेगा। रेल कर्मचारी 30-40 साल नौकरी करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम में एक ड्राइवर, मेल एक्सप्रेस ड्राइवर रिटायर करने के बाद उनको 5,000-6,000 पेंशन मिल रहा है, क्या दुरावस्था है साथी। और रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी पड़ी हुई है,
सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी है, गार्ड ड्राइवर में वैकेंसी है, इसको सरकार फिलअप नहीं कर रही है, टोटल आउटसोर्सिंग कर रही है। शेड में इंजन बढ़ रहा है, लोको होल्डिंग बढ़ रहा है, वही कर्मचारी है 400, उसी से काम करना है, भले आप मर जाइए, आपको कुछ भी हो जाए। आज कल कारखाना में वर्कर को टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, क्यों कैंसर हो रहा है, किस पोल्यूशन से कैंसर हो रहा है, इसके लिए कोई नज़र नहीं है सरकार का। आप देखिए स्टेशन का सुंदरीकरण होगा, इसको इस बिल्डिंग को तोड़ के करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाएगा, इससे साधारण जनता का, रेल कर्मचारी का क्या फायदा होगा कि इसके लिए अलग से कोई फंड आ जाएगा आपके पास, अलग से अर्निंग होगा, वही टिकट रहेगा, वही ट्रेन चलेगी, जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा। हमारा कहना है एनपीएस को रद्द कीजिए, रेल में 3 लाख वैकेंसी है उसको फिलअप कीजिए, रेल को निजी हाथों में मत दीजिए, रेल कर्मचारी में बहाली कीजिए, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको ले आइए, और रेल कर्मचारी होने से वो अपने दायित्व के साथ काम करेंगे, रेल में एक्सीडेंट नहीं होगा, सेफ्टी वायलेशन नहीं होगा। इस तमाम चीज़ के ऊपर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आज यहाँ हम लोग धरना में भूख हड़ताल में बैठे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारा अगला प्रोग्राम स्ट्राइक होगा, और उसके लिए हम लोग स्ट्राइक बैलेट ले चुके हैं, इसमें 90% से ऊपर हम लोग को मत मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक में जाने से पहले वर्कर से उनको मत लेना जरूरी है, और ये मत अगर 51% से ऊपर नहीं हुआ तो आप स्ट्राइक में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों ने स्ट्राइक बैलेट ले चुका हूँ ऑल इंडिया लेवल में, उसके बाद सरकार को ये बता दिया गया है, हंगर फास्ट कर रहे हैं, ये भी वर्तमान सरकार को नोटिस दे दिया गया है। इसके बाद 3 दिन हमारा चलेगा, आज यहाँ है, कल DRM ऑफिस के गेट में है, और 11 तारीख को GM दफ्तर में है, 3 दिन हम लोग करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो लगातार स्ट्राइक में जाएंगे, ये हमारा फेडरेशन का आह्वान है। हमारा नाम सुधीर राय, हम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें, और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।